कैसा आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा ना दोस्तों। देखिए SSC GD 2022, जी हाँ दोस्तों, SSC GD 2022 की जो भी प्रक्रिया चल रही है, यानी कि 21 फॉर्म अप्लाई हुआ था तो बोर्ड से हुआ पोस्ट में बढ़ोतरी, वैकेंसी इंक्रीज, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो ये वैकेंसी इंक्रीज के बारे में हम बताते हैं, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। जैसे कि आप लोग जानते हैं CRPF की वैकेंसी पहले नहीं थी ना, जबकि नोटिफिकेशन आया था पहले नहीं थी। बाकी सबका वैकेंसी था, जैसे CISF, SSB, ITBP, आसाम राइफल एंड IASF और BSF का वैकेंसी था, केवल CRPF का वैकेंसी नहीं था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं हम आपको लाइव की पिछले बार में कैसे वैकेंसी बढ़ा था और इस बार में कैसे वैकेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए, ये 2018 की वैकेंसी है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यही है आपका कि इसमें फोर्स जो था BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल एंड ISSF, मतलब टोटल कितने था मेल के लिए, 50,066 पोस्ट था, ठीक है, 50,066 पोस्ट था। और फीमेल के लिए कितना था, 58,373 पोस्ट था टोटल मिलाकर के, 58,000, यानी कि फीमेल के लिए 8,307 पोस्ट था, ठीक है, यानी कि 58,373 पोस्ट टोटल मिलाकर के था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद से तुरंत इस पोस्ट को बढ़ा दिया गया 2018 में। तो आइए हम दिखाते हैं कि 2018 में पोस्ट को कितना बढ़ाया गया था, कितना परसेंटेज बढ़ाया गया था। यहाँ पर लगभग 58,373 है ना, तो आइए फिर हम देखते हैं उस पोस्ट को, देखते हैं क्या हुआ था उसमें। देखिए 58,373 है, उसमें फिर 50,699 कर दिया गया था मेल के लिए, और फिर लगभग में 9,511 कर दिया गया था, यानी कि 60,200 कितना है 10 कर दिया था टोटल मिला करके। लेकिन शुरू में आया था तो वो 50,000 से भी कम था सीट, यानी कि यहाँ पर सीट इंक्रीज दो बार हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 में सीट को इंक्रीज दो बार किया गया था। लेकिन ये जो 2021 में नोटिफिकेशन आया है, इसमें आइए हम देखते हैं विधोत कि इसमें कितना सीटें और कितना बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें 3,1769,100 द डिटेल ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलोज। ये आपके हैं BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, ARNIA और SSF, ठीक है। मेल और फीमेल का हम जो भी वैकेंसी के बारे में नहीं जान रहे हैं कितना कितना सीट है, हम फिर इसमें डिस्कस कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो इसमें देखिए BSF का जो है 6,413 और CISF का 7,610, CRPF का नहीं है, SSB का है 3,806 और यानी 3,806 और ITBP 1,216 और आसाम राइफल 3,185 और NIA का इस बार नहीं है और SSF का है 194, ठीक है। टोटल 22,424 मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 सीट है। ये 2021 की वैकेंसी की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, और अभी जो 2022 प्रक्रिया चल रहा है इसका। और फीमेल का इसी तरह से, ये इसके सामने आप देख लीजिएगा टोटल सीट, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, यानी कि टोटल फीमेल का अगर बात करें तो 2,847, यानी कि 2,847 सीटें हैं, तो टोटल मिलाकर के 25,271। देखिए 25,271 तो सीट हैं, लेकिन आपका जैसे ही फिजिकल होगा, पूरा होगा, उसमें आपको वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। तो लगभग में ये 25,271 है, लास्ट जात आपका 30,000 के करीब में वैकेंसी आपका हो जाएगी, क्योंकि कभी भी SSC में सीट का बढ़ोतरी हुआ है, बाद में ज़रूर सीट बढ़ाएं दोस्तों। तो 25,000 से कम होगा तो आपका 30,000 करीब में होगा, तो इसलिए वैकेंसी इंक्रीज ज़रूर होता है और इस बार भी होगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, CRPF का हो सकता है कि CRPF का भी पोस्ट निकाल दे, लेकिन CRPF का पोस्ट नहीं निकालेगा, इसलिए नहीं निकालेगा क्योंकि आप लोग CRPF चूज ही नहीं किए हैं, ठीक है, CRPF को चूज ही नहीं किया है आप। हो सकता है कि बाकी सब पोस्टों में पोस्ट बढ़ा दे, लेकिन CRPF का बहुत सारे लोग कर रहे हैं CRPF का पोस्ट बढ़ाया क्या, तो CRPF का नहीं बढ़ाया क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, एक भी सीट नहीं दिया, बाकी सबका सीट तो अनाउंसमेंट किया क्या है, लेकिन CRPF का नहीं किया। तो बाकी सब हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन CRPF का एक भी नहीं अभी बढ़ाएगा। तो ये 25,271 सीट से बढ़ करके आपका 30,000 करीब में होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उसके बाद से मेडिकल की तैयारी करते रहिए और जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के पहले से ही अपडेट करके तैयारी कीजिए, ताकि उस समय पर आपका कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।